विश्वकर्मा एक ऐसे भगवान जिन्हें उनके क्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो एक डिवाइन आर्किटेक्ट है जिन्होंने इंद्रदेव के इंद्रप्रस्थ से लेके कुबेर की लंका और पुष्पक विमान तक बनाया है। जी हाँ, कुबेर की लंका और पुष्पक विमान, रावण का नहीं। एटलीस्ट शुरुआत तो ऐसी हुई थी। द डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा क्रिएटेड पुष्पक विमान फॉर लॉर्ड ब्रह्मा, लेकिन फिर कड़ी तपस्या करके कुबेर ने लॉर्ड ब्रह्मा से ये पुष्पक विमान हासिल कर लिया था, और फिर लंका के साथ साथ रावण ने कुबेर से उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। सीता माँ का अपहरण भी इसी डिवाइन व्हीकल को यूज करके हुआ था। जब हनुमान जी सीता माँ की खोज में निकले थे तो उनकी नजर पुष्पक विमान पे पड़ी एंड ही वॉज सरप्राइज्ड। उन्हें लगा कि ये पुष्पक विमान हवा में उड़ने वाला एक कैसल है। Such was the beauty of the most mentioned vimanas across the Indian text. लेकिन कुछ दो साल पहले 2020 में श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया इसी पुष्पक विमान की खोज में। वहां के हिस्टोरियंस का ये कहना है कि रामायण और महाभारत सिर्फ एक पोएट की इमेजिनेशन नहीं, उससे कई ज्यादा बढ़ के हैं, which points out the possibility that पुष्पक विमान इज अ रियलिटी लॉस्ट टू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ इग्नोरेंस। तो आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम एंशियंट इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद को ये सवाल करने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या हमारी आज की टेक्नोलॉजी शुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस, या फिर हमसे 100 गुना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हमसे हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी। पूरा भारतवर्ष या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट वेदों से घिरा हुआ करता था। हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी नॉलेज को वेदों और स्क्रिप्चर्स के द्वारा पास ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन आज भी कई सारे स्क्रिप्चर्स हैं जिन्हें हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये स्क्रिप्चर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और इन्हें डिकोड करके हमें क्या मिलेगा? Weren't our ancestors just a group of stone age men जो पत्थर घिस के आग जलाने की कोशिश करते थे? Well, let me tell you all something that is going to blow your mind. अडोल्फ हिटलर नाम तो सुना होगा, राइट? वेल, हिटलर ने अपने कुछ लोगों को इंडिया और टिबेट के एक्सपेडिशन पे भेजा था, और फिर 1938 में वो यहाँ से इंडियन स्कॉलर डांडी बटला विश्वनाथ शास्त्री को ले गए ताकि उनकी वैदिक नॉलेज के जरिए वो रहस्यमय मंत्रास को डिकोड कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इसी डिकोड की गई इन्फॉर्मेशन के जरिए नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपना V1 रॉकेट, जिसे बज बॉम्ब कहा जाता है, उसके इंजन को डेवलप किया था। इतना ही नहीं, हम जितने हमारे ग्रंथों को और उनमें लिखी गई स्क्रिप्चर्स को इग्नोर करते हैं ना, वही चाइना जैसे देश उन्हें समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो एंशियंट इंडिया की टेक्नोलॉजी को समझ के उसका इस्तेमाल कर सके। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ में कुछ संस्कृत डॉक्यूमेंट सेंड किए गए थे, बट देन इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट इन टिबेट। अब ल्हासा सिटी में मिले गए ये डॉक्यूमेंट्स क्या थे और इनमें ऐसा क्या था कि चाइनीज गवर्नमेंट इतनी एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट से इसे डिकोड करना चाहती थी? इसका जवाब सुनके ना मैं बहुत सरप्राइज हो गया, एंड आई एम श्योर कि आप भी उतना ही सरप्राइज हो जाओगे। द डॉक्यूमेंट कंटेन्ड द इन्फॉर्मेशन एंड द टेक्निक टू बिल्ड अ इंटरस्टेलर स्पेसशिप। यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ की डॉक्टर रूथ रैना ने यह कहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए गए स्पेसशिप्स के जमीन से लिफ्ट होने के लिए वैसे ही एंटी ग्रेविटेशनल सिस्टम यूज किया जाता है जैसे लघिमा में होता है। अब लघिमा एक संस्कृत शब्द है विच मीन्स एब्सेंस ऑफ वेट। आपने कई सारे मूवीज में जरूर देखा होगा कि कैसे एक साधु, एक मॉन्क, जमीन से ऊपर हवा में लेविटेट होने लगता है व्हेन ही इज मेडिटेटिंग, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लघिमा इज, एंड इट इज वन ऑफ द 8 सिद्धीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योगा। और डॉक्टर रूथ रैना के हिसाब से लघिमा का कॉन्सेप्ट और स्पेसशिप के लेविटेशन का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। और तो और, उन हजारों साल पुराने डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा गया है कि उस जमाने में लोगों को इंटरस्टेलर ट्रिप्स पे यानी दूसरे प्लैनेट पे भी भेजा जा सकता था। तो जैसे ही उन डॉक्यूमेंट्स में लघिमा के बारे में बात किया गया है, वैसे ही अनिमा यानी कि अपनी बॉडी को एटम के साइज जितना छोटा बना देना, या फिर गरिमा हैवी और डेंस हो जाना, इन सिद्धियों के बारे में भी बात किया गया है। But now the question is, can these technologies be used with regards to a spaceship? क्या एक spaceship को atom जितना छोटा बनाया जा सकता है या फिर पहाड़ जितना बड़ा बनाया जा सकता है? Ancient period में ऐसे aircraft exist करते थे, ये statement ना बहुत controversial है, because इस पे चर्चा करने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक वो जो ancient India की aerospace technology को reality मानते हैं, उसे study करना चाहते हैं, उस पे research करना चाहते हैं, और दूसरे वो जो पुष्पक विमान जैसे flying machine को एक पोएट की क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन ही मानते हैं। दे डोंट टेंड टू बिलीव इन द प्रैक्टिकलिटी ऑफ एन आइडिया दैट समथिंग लाइक विमानास कैन एग्जिस्ट। अगर अभी मैं आपको पूछूं कि दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट किसने इन्वेंट किया है, तो आप सभी के मन में एक नाम आएगा, राइट ब्रदर्स, है ना? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि राइट ब्रदर्स की ये इन्वेंशन से 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी में एक एयरक्राफ्ट उड़ा था, तो एग्जैक्टली ये एयरक्राफ्ट को इंडिया के शिवकर पबुची तलपड़े ने इन्वेंट किया गया था, वो भी राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले।
Keeping aside the conspiracies around his name, he was the first man to construct and fly the world's first unmanned aircraft to about 1500 feet from the ground. उनके इस आविष्कार का नाम उन्होंने गॉडेस ऑफ नॉलेज यानी कि माँ सरस्वती के नाम पे रखा था। He named his aircraft Marutsaka, which means friend of the wind, and literally it was a friend of the wind because वो एयरक्राफ्ट पूरे 18 मिनट तक हवा में बना रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के पीछे, इसकी उड़ान के पीछे वैदिक स्क्रिप्चर्स का हाथ था। शिवकर जी के इस इन्वेंशन पे उन्हें गाइड करने वाले का नाम था पंडित शुभार्या शास्त्री। अब ये नाम एक ऐसे किस्से से जुड़ा हुआ है जहां से एंशियंट इंडिया की एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के रूट्स जुड़े हैं। वैमनिका शास्त्र 8 चैप्टर्स और 3000 संस्कृत श्लोक से बनी गई ये किताब वैसे तो अर्ली 20 सेंचुरी में ही डिस्कवर हो गई थी, लेकिन पंडित शुभार्या शास्त्री का ये कहना है कि उन्हें ये हजारों साल पुरानी वैदिक नॉलेज खुद ऋषि भरद्वाज ने फिजिकली डिक्टेट किया था। वैमनिका शास्त्र यानी साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स में इंडियन स्क्रिप्चर्स में मेंशन किए गए विमानों के चालन के बारे में काफी डिटेल में मेंशन किया गया है। They had wing-like flaps that of peacocks, eagles, swans and more. और ये basically interstellar और intergalactic travel के लिए बने थे। And the other type of विमान्स were made for the humans on the ground. ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बने थे। तो अगर आप अपने human nature को जगा के इसमें एक pattern ढूंढने की कोशिश करो ना, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। Gods के लिए बने गए interstellar या फिर intergalactic विमान्स क्या spaceship नहीं हो सकते? और जो इंसानों के लिए बने गए हैं क्या वो आज के एयरक्राफ्ट नहीं हो सकते? Well, इसका जवाब तो हमें तभी मिलेगा जब हमारे अंदर इन स्क्रिप्चर्स को डीकोड करने जितनी इंटेलिजेंस होगी। फिलहाल के लिए लेट्स गेट बैक टू वैमनिका शास्त्र। वेल, अगर एयरक्राफ्ट बना है तो इतने साल पहले उसे पावर कैसे किया जाता होगा? वेल, ये युगों के हिसाब से बदलता गया है। त्रेता युग में ह्यूमंस मंत्रास को अडॉप्ट कर रहे थे। दिस वॉज अ फ्रेगमेंट ऑफ टाइम वेयर विमान्स वेयर पावर्ड बाय मंत्रास। द्वापर युग में ह्यूमंस तंत्रस और रिचुअल्स के बारे में अवेयर हो रहे थे। दिस वॉज द फ्रेगमेंट ऑफ टाइम वेयर विमान्स वेयर पावर्ड बाय तांत्रिक नॉलेज। और आज हम कलयुग में जी रहे हैं जहां पे ह्यूमंस ने मंत्रस और तंत्रस दोनों की कैपेबिलिटी खो दी है। इंस्टेड वी आर डेवलपिंग आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल इंजन्स टू पावर आवर एयरक्राफ्ट। कलयुग के चार विमानों की जो स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग है वो उन स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। द फोर विमान बीइंग शकुना विमान, सुंदर विमान, रुक्मा विमान एंड त्रिपुरा विमान। अब अगर बात इनके कंस्ट्रक्शन की करें तो वो एक दूसरे से ज्यादा डिफर नहीं करते, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है उनका प्रोपल्शन मेथड। देखो, अभी किसी भी चीज को अर्थ से हवा में या फिर स्पेस में ढकेलने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उस चीज को पुश कर सके, राइट? इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रोपल्शन मेथड, अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस थ्रस्ट इन ऑर्डर टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किए गए विमान जैसे जलायन, अ विमान डिजाइन टू ऑपरेट ऑन वाटर, कारा, अ विमान डिजाइन टू ऑपरेट इन ग्राउंड एंड वाटर, त्रितला, थ्री फ्लडेड स्पेसक्राफ्ट, त्रिचक्र रथ, अ थ्री व्हील्ड व्हीकल डिजाइन टू ऑपरेट इन एयर, वायु रथा, अ विमान पावर्ड बाय विंड और गैस, विद्युत रथा, अ विमान पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ये जो सारे एयरक्राफ्ट है ना, इनके प्रोपल्शन मेथड अलग अलग है और ये मर्क्यूरी, ज़ेनॉन, आर्गन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन जैसे प्रोपेलेंट पर ऑपरेट होते हैं। अब इन सब में से साइंटिस्ट में जो इंटरेस्ट जगाने वाला मेथड है वो है वैदिक आयन इंजन। ये टेक्निक वेदास में यूज की गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग या फिर चौंका देने वाली बात पता है क्या है कि रिसेंटली नासा ने अपने किसी प्रोजेक्ट में इसी टेक्निक का यूज किया है। अब आप ही सोचिए कि इतने साल पुराने स्क्रिप्चर्स में ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो आज के साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। ऋषि भरद्वाज के वैमनिका शास्त्र में इतनी बारीकी से कुछ चीजें लिखी गई हैं कि इसे फ्लाइट मैनुअल बोलना कुछ गलत नहीं होगा। कौन सा एरियल रूट लेना है, नॉर्मल और फोर्स दोनों तरीके की लैंडिंग का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, फ्लाइट के दौरान पायलट को क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी टाइप की पावर सप्लाई होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैमनिका शास्त्र में बहुत ही डिटेल में दी गई है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एंशियंट विमानों के बारे में बात कर रहे हैं जिसे ह्यूमंस के साथ साथ गॉड्स भी यूज किया करते थे, और इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सट्रीमली एडवांस होंगे, नहीं? वेल, व्हेन आई से एक्सट्रीमली एडवांस, दीज टेक्स्ट हैड इंस्ट्रक्शंस टू अवॉइड एनिमी एयरक्राफ्ट, टू हियर एंड सी एनिमी एयरक्राफ्ट, हाउ टू बी इनविजिबल एंड हाउ टू अवॉइड कोलिजन विद बर्ड्स। ये सारे मेंशन के सपोर्ट करते हुए 2015 में कैप्टन आनंद जे बोदास ने वैदिक साइंस थ्रू संस्कृत नामक सेशन में कुछ ऐसा स्टेट किया था। देयर इज अ रेफरेंस टू एंशियंट एविएशन इन ऋग्वेदा। 7000 years ago, Maharishi Bharadwaj talked about the existence of airplane which travel from one country to another, from one continent to another, from one planet to another.
अब इस स्टेटमेंट को लेके ना कई सारे साइंटिस्ट ट्रिगर हो गए थे। नासा के एक साइंटिस्ट ने तो ऑनलाइन पिटीशन भी फाइल की थी जिसमें उसने स्पीच को कैंसिल करने की डिमांड की, क्योंकि उनके अनुसार कैप्टन वोदास वाज मिक्सिंग माइथोलॉजी विद साइंस, और हजार से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने इस पिटीशन को साइन किया। अब ये तो फिर भी रीसेंट टाइम्स वाली बात है। 1974 में भी एक पेपर पब्लिश किया गया था विच क्रिटिसाइज द मेंशन ऑफ विमानास इन वैमानिक शास्त्र। अंकित सुले नाम के एक साइंटिस्ट एक्टिविस्ट ने द वीक के इंटरव्यू में ये कहा कि वैमानिक शास्त्र में जो भी क्लेम्स किए गए हैं ना, वो बहुत ही स्कूल लेवल फिजिक्स पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम उन स्क्रिप्चर्स की टेक्निक यूज करके आज एक एयरक्राफ्ट बनाए तो इट वुड बी अ बिग फेलियर। बहुत से साइंटिस्ट वैमानिक शास्त्र कब लिखा गया या फिर किसके हाथों लिखा गया इस पे भी डाउट्स रेज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि वैमानिक शास्त्र इज नॉट अ 1000-year-old स्क्रिप्चर और अ टेक्स्ट, बट जस्ट अ फ्रेश इमेजिनेशन ऑफ समवन फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन इतने सारे क्रिटिसिज्म को एक झटके में गलत साबित करने का काम अमेरिकन साइंटिस्ट ट्रेविस शेन टेलर ने किया। यूनिवर्सिटी ऑफ एरविन के इस इंजीनियर ने इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की टेक्निक यूज करके एक फ्लाइट मॉडल बनाया। He created a flight-worthy environment to test if the model could actually lift in the air. Result देख के वो खुद भी शॉक हो गए क्योंकि उनके मॉडल ने वो टेस्ट पास कर लिया था। तो जब उनसे पूछा गया कि वो उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो इस पूरे वैदिक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करते हैं, he said that the experiment he performed was purely scientific and the shape made using the information from those tests is a viable aerodynamic structure. अब ये कैसा confusion है? क्योंकि देर आर सम साइंटिस्ट जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को वैदिक स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड देन देर आर अदर साइंटिस्ट जो इसे प्रेज करते हैं, इसे यूज करते हैं। देखो, इसका रीजन बड़ा सिंपल है। जब भी कोई नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरा इंसान या फिर एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन या फिर एक टाइम पीरियड से दूसरा टाइम पीरियड पर ट्रैवल करती है या फिर पास ऑन करती है, तो उसमें काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये ओरिजिनल टेक्स्ट और पास ऑन किए गए टेक्स्ट में काफी डिफरेंस ले आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि संस्कृत हमारे लिए एक एलियन लैंग्वेज बन चुकी है, जिसकी वजह से हमें काफी मिसट्रांसलेशन का शिकार होना पड़ता है, विच लीड्स टू लॉस ऑफ नॉलेज। लेकिन अगर हमने किसी तरीके से संस्कृत लैंग्वेज पे मास्टरी हासिल कर ली तो हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम उन स्क्रिप्चर्स को, उन टेक्स्ट को पढ़ सके, समझ सके और उसे यूज कर सके। तो आपको क्या लगता है, क्या हम पुष्पक विमान जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट को फिर से रिवाइव कर पाएंगे? कॉमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिग ब्रेन को।